اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى عليه الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله العظيم محترم ومحتشم نادي المسامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته अल्हम्दुलिल्लाह तुम्बा अल्हम्दुलिल्लाह माहे रमदान मुबारक हम सबको नसीब हुआ। आज आखिरी रोज़ा है, तीसवां रोज़ा है और जाहिरी बात है किसी भी चीज़ का निचोड़ निकालना हो तो उसका आखिर जो है वो बहुत अहम होता है। कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी शान से गुजारी लेकिन अगर खात्मा बिल ईमान हो जाए तो इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती। खात्मा भी कलमा तैयबा पर हो जाए तो इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं हो सकती। अल्लाह हू अकबर। बिला तमसील व तशबीह रमज़ान मुबारक में हमने रोज़े भी रखे, तरावीह भी पढ़ी, इबादात भी किए, ज़कात भी अदा की, सदक़ात व खैरात भी किए, सदक़तुल फितर भी अदा किए, सब कुछ नेक आमाल हमने कर लिए लेकिन नादिर ने कराम हमने सच्ची तौबा नहीं की। हमारे दिल में अभी भी गुनाहों के ख्यालात हैं, हमारे दिल में अभी भी गुनाहों के वसाविस हैं, हमारे दिल में अभी भी किसी के लिए कीना है, हमारे दिल में अभी भी किसी के लिए बोझ है, हमारे दिल में अभी भी किसी के लिए अदावत और रंजिशें मौजूद हैं। हमने अभी भी लोगों के साथ वही रवैया रखना है, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमने उसके साथ ऐसा करना है, सब कुछ भी बाकी है तो खतरा बहुत शदीद है। अल्लाह से मांगे खास तौर पर रमजान मुबारक के इस आखिरी रोजे में तो मुसल्ले से न उठे, खाने पीने को बहुत कम कर दीजिए, खास तौर पर असर से जो मगरिब का वक्त है इसमें तो अल्लाह से बैठ जाइए, मांगिए अल्लाह से माफी मांगिए कि या रब्बल आलमीन या अकरमुल अकरमीन, बतकाज़ा बशरियत इंसान होने के नाते सोसाइटी का माहौल ऐसा बन चुका है कि हमारे दिलों के अंदर दूसरों की नफरत पैदा हो जाती है, हमारे दिलों में कीना पैदा हो जाता है, हमारे दिलों में हसद पैदा हो जाता है, हमारे दिलों में रंजिशें पैदा हो जाती हैं। या अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे, ऐसा बना दे कि इस दिल में सिर्फ तेरे और तेरे महबूब की मोहब्बत समाए, इस दिल में सिर्फ तेरे और तेरे महबूब के बंदों की मोहब्बत समाए। या रब्बल आलमीन हमारे दिलों को पाकीज़ा कर दे, हमारे दिलों को पाकीज़ा कर दे। इसी तरीके से गुनाहों के वसाविस मौजूद हैं, गुनाहों के ख्यालात मौजूद हैं, बहुत से लोग हैं जैसे ईद की चांद रात नजर आती है, चांद नजर आता है, चांद रात शुरू होती है, इनाम की रात होती है और लोग जो है बाजारों की तरफ जाते हैं, एहतिकाफ वाले बार्बर शॉप में जाकर अपनी दाढ़ियों को मुंडाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या कर रहे हैं, हमने क्यों नेक आमाल पर इस्तेकामत नहीं मिल रही, हमारी 11 महीनों की जिंदगी पर अगर देखें, हदीस मुबारका में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आमाल के भी असरात हैं, जैसे फरमाया कि अगर आग का अंगारा हथेली पे रखो तो उसकी तासीर है वो गर्मी पैदा करेगी, आपके हाथ को जला देगा, इसी तरह बर्फ का टुकड़ा रखे तो वो ठंडक पैदा करेगा। तो ब्याई नहीं बिला तमसील तशबीह, ये अपने आग का अंगारा अपने असरात रखता है, बर्फ का टुकड़ा अपने असरात रखता है। इसी तरीके से जो हमारे रमजान में किए गए नेक आमाल हैं ये आने वाली जिंदगी में उसके असरात मुरतब करेंगे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर किसी के रमजान मुबारक की इबादत की मकबूलियत देखनी है और रमजान मुबारक में उसका अल्लाह से ताल्लुक का एक मजबूत होना देखना है तो उसकी आने वाली 11 महीने की जिंदगी को देख लो। अगर उसकी 11 महीने की जिंदगी के अंदर कुछ रमजान मुबारक वाले असरात मौजूद हैं। अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरंजाम दे रही है।
सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात अतियात और सदकात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। महाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हज़ारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 01216773999। कुछ नमाज की पाबंदी के असरात मौजूद हैं, कुछ माशाल्लाह रोज़े रखने के मामूलात मौजूद हैं, क़याम व तआम के मामूलात मौजूद, यानी कि रात के वक़्त में क़याम बड़ा खूबसूरत करते हैं, खाने पीने के अंदर मुहतात रहते हैं, जिस तरह हम कोशिशें करते हैं ना रमज़ान मुबारक के अंदर कि ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी, ताकि हमारे दिन का रोज़ा मुतासर ना हो, इसी तरीके से हमने अपनी नज़र की हिफाज़त करनी है, अपने कानों की हिफाज़त करनी है, ये तमाम नेक आमाल की हमने हिफाज़त करनी है। तो हम सब ने अब ये कोशिश करनी है कि अपने रब्बुल आलमीन को राजी करना है, और ख़ास तौर पर हमने ये भी कोशिश करनी है कि हमने बंदों के साथ, चाहे हमारे साथ किसी ने कितना ही बुरा किया हो, हमने उसको ये कहकर माफ़ करना है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्के के मौके पर इरशाद फरमाया कि आज मैं वही कहूँगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कही थी। वो क्या बात कही थी? ला तक़रीब अलैकुम अल्यौम, आज के दिन सबके लिए माफ़ी है। तो आप भी बड़ा दिल कीजिए, सबको माफ़ कीजिए, देखिए अल्लाह पाक फिर आपके लिए कैसे आसानियों के दरवाजे खोलते हैं, कैसे रिस्क के दरवाजे खोलते हैं, कैसे कामयाबियों के दरवाजे खोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के तमाम नेक आमाल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और हम सबको इस रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह करीब बख्शिश व मग़फ़रत का परवाना नसीब फरमाए, और हम सबको जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता फरमाए। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मैंने कोशिशें की जितना मुमकिन मैं कोशिश कर सकता था। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिशों को, हमारी कोशिशों को, आपकी इबादतों को, हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चांद नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह, आज तो लैलतुल जायज़ा इनाम की रात है, इसको ज़ाया ना कीजिएगा, ये बहुत ख़ास रात है, बहुत ख़ास रात है। फरमाया कि जो शख्स मजदूरी कर ले तो उसके लिए क्या है? फरमाया कि उसके लिए उजरत है। तो इसलिए आपने पूरे महीने मजदूरी की है, मेहनत की है, अब अल्लाह से अजर मिलना है इंशाअल्लाह। अगर एक शख्स पूरा महीना मजदूरी करे, सैलरी यानी जॉब करे, और जब सैलरी का टाइम आए और वहाँ से वो सैलरी ना ले चले जाए, तो लोग कहेंगे कितना बेवकूफ़ शख्स है कि इसने पूरे महीने वहाँ मेहनत की, मजदूरी की, अब इसको जो है ना सैलरी मिलनी थी और इसने जॉब ही छोड़ दी, तो कहे बिला तमसील तशबीह लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे। नारी करा, आप क्या कहेंगे उस शख्स को जो रमज़ान मुबारक में इतनी मेहनत करें, कोशिशें करें, रात को जागे, दिन को जागे, और अपनी रूटीन के अंदर अल्लाह को राज़ी करें, कुरान की तिलावत करें, सदक़ात व खैरात करें, लेकिन जब इनाम की रात है, जब मजदूरी मिलने की रात है, और उसमें जो है हम उजरत ही न लें। अल्लाह से ज़रूर बातें कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। आपसे फिर ईद के दिन मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हम सब खूब एक दूसरे को दिलो जान से माफ़ करके खूब अल्लाह की बारगाह में राजी, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, फिर कल मुलाकात होगी ईद के दिन। मैं कोशिश करूंगा, नहीं हो सका तो इंशाअल्लाह मज़ीद फिर ज़रूर इंशाअल्लाह किसी न किसी वक्त यूट्यूब पर इंशाअल्लाह आकर आप हज़रात से इंशाअल्लाह गपशप लगाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।